प्रोटोन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस वी फ्लाइज थ्रू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कह रहे जी प्रोटोन आया और सीधा इसको फेंका गया था सामने, मैग्नेटिक डायग्राम के मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर था, बस इतने रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है डी। फिर खत्म हो गया, पता लग रहा है वो खत्म हो गया फील्ड, और फिर वो टेंजेंशियली बाहर चला गया मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने कि अल्फा कैसे निकलता है, फिर ज्योमेट्री सिखाई थी मैंने, फॉर्मूला रजिस्टर में चेक कर लो। अब वो कह रहा है कि इसमें एंगल क्या होगा ये बताओ, साइन अल्फा क्या होगा ये बताओ। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि ये कुछ नहीं करना आपने, ये जो अल्फा होगा और ये अल्फा होगा वो बराबर होगा, ये शॉर्टकट मैंने करवाया था आपको, प्रूव किया था। तो अगर मैं ये यहाँ से साइन अल्फा निकाल दूँ आंसर आ जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू ये क्या रीजन है डी है और ये आर है, तो साइन अल्फा की वैल्यू बोलो क्या आएगी इसमें, साइन अल्फा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर। अब ये बताओ इसके अंदर रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी बाय बी क्यू, रेडियस इज एम वी बाय बी क्यू। प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, इसमें आपको पोटेंशियल गिवन है। हाँ तो कोई बात नहीं, रेडियस को पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m, अंडर रूट ऑफ 2m q इनटू v फॉर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय bq, दिस इज द आंसर। ये बहुत लंबा तरीके से मत करें, ऐसे कर लें, इसका शॉर्टकट लिख लें, ये रहा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, इसके अंदर एनर्जी इक्वेट करो, कुछ मत करो, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?